मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अभिकेंद्र बल के बारे में, सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। तो इस वीडियो के आखिरी तक आप जो लोग जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाए। शॉर्ट में अगर समझा जाए तो अभिकेंद्र बल जो होता है यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो केंद्र की ओर लगने वाला एक क्या होता है, बल होता है, जिसमें केंद्र की ओर जो है, केंद्र उसको बैलेंस करने के लिए केंद्र की ओर जो है एक बल लग रहा होता है। लेकिन इसको समझने का प्रयास करिएगा कि क्यों लगता है और किस लिए ये जो है एक्ट यहाँ पर हो रहा है, आखिरकार क्या कारण है कि सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। तो कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है या कोई एक कण पार्टिकल्स मान लीजिए जो कि एक सरफेस पर जो है वो एक क्षैतिज सरफेस पर मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पर एक क्षैतिज सरफेस है जिसके ऊपर मूव कर रहा होता है। क्षैतिज सरफेस का यह मतलब नहीं हो जाएगा कि वो सर्कुलर है, ये याद रखिएगा, ये नहीं हो जाता। क्षैतिज सरफेस का मतलब हो गया कि वो प्लेन है इस तरीके का। लेकिन प्लेन तो वो है, लेकिन क्या हो गया कि वो पार्टिकल्स जो क्षैतिज तल पर है वह एक नियत वेग से जो है इसी वृत्ताकार पथ पर जो है वो क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। इसी वृत्ताकार पथ पर क्या हो जाता है, घूम रहा होता है। तो ये जो घूम, जैसे ही ये वृत्ताकार पथ पर ये घूमता है तो इसमें एक वेग आ जाता है, एक वेलोसिटी आती है, ठीक है। जब ये नियत वृत्तीय चाल से जो है वो इस पे घूम रहा होता है तो इसमें क्या होता है, वेग में परिवर्तन। सदिश यहां पर क्या होता है कि इसके वेग में इसका जो वेग है वो हर क्षण बदल रहा होता है। इसका जो वेग है वो क्या हो रहा है, हर क्षण बदल रहा होता है। क्यों यहाँ पर वेग इसका बदल रहा होता है, क्योंकि वृत्तीय गति जब ये चल रहा होता है इसका डायरेक्शन हर बार चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर इस वस्तु में जो है कौन सा वेग हो रहा होता है, हाँ, वेग सदिश का ये पालन कर रहा होता है। इसका ये पालन कर रहा होता है वेग सदिश का। वेग सदिश का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अभी तो पार्टिकल्स यहाँ पे था, हो सकता है यहाँ पर हो, या हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। इसका मतलब क्या है, इसके दिशा में बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके दिशा में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि कोई जो वस्तु है यहाँ पर उसके वेग, उसका जो है ना वो कौन से वेग में है, वो है वेग सदिश के नियम का वो पालन कर रहा है, ठीक है। आप इस चीज को समझिएगा। उसके यदि आप बताइए कि वेग सदिश में है परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु में क्या त्वरण है, वस्तु में क्या वेग में परिवर्तन। अगर वेग सदिश है इसमें तो वेग में परिवर्तन है, तो वेग में यदि परिवर्तन होगा तो इसमें कौन क्या चीज उत्पन्न होने वाला है, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन जो है, वेग में परिवर्तन ही त्वरण को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न कर देता है, त्वरण को उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है, त्वरण उत्पन्न हुआ है वस्तु में पहला, और वस्तु जो है ना वो प्रत्येक क्षण जो है ना वो अपने पोजीशंस को भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं कि वस्तु त्वरित है। वस्तु क्या है, त्वरित है। आप बात को एक दूसरे से जोड़ेंगे बाद में आपके पास आंसर केवल एक लाइन में ही आता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। लेकिन किस प्रकार से इसके एक्सप्रेशन को प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि एक आपके पास क्या है, आनत, एक समतल तल है, एक क्या है, समतल तल है जिस पर कोई पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा होता है। लेकिन वो कैसा मूव कर रहा होता है, वृत्ताकार पथ पर। कैसा मूव करता है, वृत्ताकार पथ पर वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स जो है वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जो मूव कर रहा है वो कैसा कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ पर जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके वेग में क्या हो रहा होता है, परिवर्तन होता है। वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कौन वेग में परिवर्तन, परिवर्तन तो तभी होगा जबकि वह वस्तु क्या हो, त्वरित गति से हो। इससे हो, त्वरित गति से हो, ठीक है। तो वस्तु अगर त्वरित गति से होगा तभी वेग में परिवर्तन होता रहेगा। अगर वस्तु त्वरित गति से परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब यह भी हो जाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई बल जो है वो एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर कोई ना कोई क्या कर रहा है, बल जो है वो एक्ट कर रहा है, बल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। कोई ना कोई बल जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर बताइए कि इसके ऊपर कोई बल काम कर रहा है, यह क्यों बोल दिए हम, क्योंकि यदि कोई भी वस्तु
त्वरित होता है, तो न्यूटन्स का गति का जो है दूसरा लॉ कहता है, गति का नियम कहता है कि वस्तु में तुरंत त्वरित वस्तु तभी हो सकता है जबकि उसके ऊपर कोई ना कोई क्या कर रहा हो, बल कार्य कर रहा हो। अब चूंकि यह इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, आगे के डायरेक्शन इधर के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इसको, ठीक है ना, लेकिन इसका झुकाव किस ओर हो रहा होता है, सेंटर की तरफ होता है। इसका झुकाव किस ओर होता है, सेंटर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ से इसके ऊपर लग रहा है, जो कि इसे संतुलित बनाए हुए, जो इसको क्या बनाए हुए, संतुलित बनाए हुए, संतुलित किए हुए है इसको, ठीक है, इस चीज को समझिए। तो वो जो संतुलित इसके ऊपर किया हुआ है बल, वही बल क्या कहलाता है, अभी केंद्र बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अभी केंद्र बल कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो वस्तु, ये जो यहां से यहां तक मूव कर रहा है, इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वो कौन सा त्वरण, त्वरण का जो मान है वो कौन सा मान दे देता है यहां पर, वह त्वरण का मान होता है वी स्क्वायर बाई आर। ये कहां से आ रहा है, आर इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वो कौन सा है, वो त्वरण उत्पन्न जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यहां तक आप समझिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें एफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यदि एफ लग रहा है, तो एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यदि उस पार्टिकल्स का मास जो है वो कितना हो, वन हो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, हम जो जानते हैं बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो m यहां पर तो रहने देंगे वो वस्तु का मास, लेकिन a के जगह पर क्या आया, v स्क्वायर बाय r। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ये जो अभिकेंद्र बल है, उस बल का मान f बराबर क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, m v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। यह हमेशा केंद्र की ओर लग रहा होता है, यह हमेशा क्या होता है, केंद्र की ओर लग रहा होता है। तो अभी केंद्र बल एक प्रकार का बल है जो किसी क्षैतिज तल पर वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु में केंद्र की ओर क्या होता है, लगता है। यह एक प्रकार समझिए कि संतुलन की दृष्टि में लगता है। और टेंजेंट जो होता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इस प्रकार से बल लगाए हुए है, तो आप सिंपल समझिए कि फोर्स जब इस तरह से वृत्ताकार पथ पर घूमता है, फोर्स अगर अप्लाई इधर से हो रहा होता है, वस्तु में लगातार बल लग रहा होता है, तो वह वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसका मतलब है केंद्र की तरफ क्या कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। जो फोर्स एक्ट कर रहा है वही कौन सा फोर्स है, अभिकेंद्र बल है। वही कौन सा फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, जो कि उस वस्तु को संतुलन के दृष्टि में, संतुलित दृष्टि में भी रखता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या समझ में नहीं आया होगा, तो आप जरूर जो है ना हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ, और हमेशा मैं चाहता हूँ कि आपको समझा दूँ। और एक फॉर्मूले का नोट जरूर कर लीजिएगा, वह है आपका F बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। ये F बराबर एम वी स्क्वायर बाय जो R है, यह हमेशा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। और यहां पर वी जो है वह वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो कि जो घूम रहा है पार्टिकल्स उसका वेलोसिटी है, और ये जो एम है वह क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, उसका जो द्रव्यमान है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर जो है जिस पथ व जिस सर्कल पर वो घूम रहा है उस चीज को। तो अगर कोई मोटरसाइकिल तेजी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर आपको प्राप्त है, वेलोसिटी यदि आप निकाल लेते हो पता चल जाता है, उसका आपको मास पता है कि कितना द्रव्यमान है उसका, और उस जिस वृत्ताकार पथ पर वो मूव कर रहा होता है, यदि उसका आपको रेडियस पता रहता है, तो आप ये बता सकते हो कि केंद्र की ओर जो है वो कितना बल, यानी कि अभिकेंद्र बल जो है वो कितना लग रहा है उस मोटरसाइकिल के ऊपर, यह आप बता सकते हो।
और यही कारण है कि मौत के कुएं में देखे हुएगा कि अभिकेंद्र बल वहां पर लग रहा होता है, जो कि बाहर की तरफ एक बल लग रहा होता है, एक अंदर की तरफ जो बल लगता है वो दोनों संतुलन के दृष्टि में रहता है। संतुलन के जैसे ही वो क्या करता है, एक्सलरेट करता है, ऐसे एक बल जो है वो कहाँ पर लगा रहा होता है, उसके दीवार पर लगा रहा होता है, दूसरा बल जो है उसके अंदर की ओर उसको बैलेंस करके रखता है। यही कारण है कि वस्तु जो होते हैं वो गिरते नहीं है, यानी कि मोटरसाइकिल मौत के कुएं में ऊपर तक आ जाता है राउंड करते हुए, उसके देखिए वेलोसिटी बढ़ जाता है ऊपर की तरफ जब आता है, क्योंकि वो बैलेंस की स्थिति में, ये बाहर की तरफ लग रहा होता है दीवार की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उसको संतुलन बनाए रखना चाहता है उस पर, तो संतुलन बनाए रखना चाहता है। अगर थोड़ा सा भी वेलोसिटी कम होगा तो वो क्या होगा, भद से गिर जाएगा। तो वेलोसिटी को बनाता कौन है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है, एक्सलरेट वो करता है, त्वरित वो ज्यादा करता है, त्वरित होता है कब, जब इंजन जो है उसके ऊपर दम लगाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये समझिए कि उसके ऊपर एक पार्टिकुलर फोर्स एक्ट होता है जिस कारण से कि बाहर की तरफ वो बल लगाता है और एक बल जो है वो कहाँ लगता है, नीचे की ये क्या कहते हैं केंद्र की ओर लगता है, और दोनों के बल जब तक जब बराबर रहते हैं तभी तक वो संतुलन की दृष्टि से रहता है, नहीं तो वो गिर जाएगा। और यहाँ उसकी वेलोसिटी जो है ना वो प्राप्त करता है, अगर वो वेलोसिटी उस पथ पर वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए जो है केंद्र की ओर एक खींच रहा होता है बल, जो कि उसके केंद्र के तरफ जो है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, आप ओवरऑल ये समझिए कि केंद्र की तरफ लगने वाला बल जो है वो क्या है, अभिकेंद्रीय बल है या अभिकेंद्र बल उसको कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, आपको यदि समझ में आ गया होगा तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं आपको प्रयास करूंगा किसी लाइव क्लास में समझाने का। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।